देखिए कितना शोरगुल हो रहा है वैक्सीन के प्रति। देखिए इससे जो है पूरी तरह से जाहिर हो रहा है कि लोग उत्साहित हैं, बट यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा उतना पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन नहीं शायद पहुँच रहा है। कोरोना वैक्सीन को अफवाह फैलाने वालों को तमाचा मारेगी नरकटियागंज की ये तमाम जनता। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नरकटियागंज कोविड सेंटर, जो कि नरकटियागंज प्रखंड के अंडर में सबसे बड़ा कोविड सेंटर नरकटियागंज हाई स्कूल के अंदर बनाया गया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोरोना वैक्सीन को लेने के लिए तमाम कितनी सारी लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई है। और आप देखिए कि यहाँ पे आप मोटरसाइकिल और यहाँ पे गाड़ी को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो है लोग वैक्सीन के प्रति कितने जागरूक हैं, और ये लोग जो है वैक्सीन के प्रति कितने सशक्त हो चुके हैं। और जो लोग वैक्सीन लेने के ऊपर जो है अफवाह फैला रहे थे, या जो लोग बोल रहे थे कि वैक्सीन सही नहीं है और यह जो है स्वदेशी वैक्सीन जो है किसी प्रकार का इलीगल रूप से जो है इफेक्ट करेगा शरीर के ऊपर, उन लोगों से मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे लगभग 250-300-400 से अब लोग जो दिख रहे हैं ये लोग मूर्ख नहीं है, और आप लोग जो है वैक्सीन के प्रति अफवाह फैलाना बंद करें। और आप देखिए तमाम कितनी सारी जो है यहाँ पर नरकटियागंज के अंदर में सबसे बड़ा कोविड वैक्सीनेशन सेंटर नरकटियागंज हाई स्कूल के अंदर इतना ज़्यादा भीड़ है कोविड जो है वैक्सीन लेने के प्रति। और कैमरामैन से बोलेंगे कि आइए समीट से लिया जाएगा और वहाँ पर देखा जाएगा किस हिसाब से जो है लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा। वैक्सीन तो लेने के लिए सारे लोग आ गए और जागरूक तो सारे लोग हैं कि नहीं हम लोग वैक्सीन लेंगे, लेकिन एक चीज़ की सबसे ज़्यादा यदि कोई चीज़ यहाँ पे कमी है तो वह है सोशल डिस्टेंसिंग का। हालांकि लोग वैक्सीन लेना है इसका तो पूर्ण रूप से लोग सहमत हैं और पूर्ण रूप से लोग जान चुके हैं, लेकिन लोग यहाँ पर एक चीज़ का फॉलो नहीं कर रहे हैं जिसका नाम है सोशल डिस्टेंसिंग, जो कि इस कोरोना काल में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। यदि सोशल डिस्टेंसिंग आप नहीं रखते हैं तो कोरोना से कभी भी जो है आप मात नहीं आइएगा और ना ही कोरोना को आप हरा सकते हैं। यदि कोरोना के चैन को तोड़ने का यदि कोई उपाय है तो वह है सोशल डिस्टेंसिंग। लेकिन आप देखिए कैमरा में दिखाइए आप, यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग नाम का कोई चीज ही नहीं है। जो लोग भी कोविड का वैक्सीन लेने के लिए आए हैं वे सारे लोग जो है इससे जो है बिल्कुल निकली है। हालांकि इन लोगों के मन में तो ये चीज़ जरूर है कि हम वैक्सीन ले लेंगे और वैक्सीनेट हो जाएंगे तो हमें कोरोना नहीं होगा, लेकिन यदि इस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का यदि धज्जियाँ उड़ाया जाएगा तो इससे जो है वे लोग कभी निजात नहीं पाएंगे और कोरोना कभी भी उनको नहीं छू सकता। ठीक है, तो आइए यहाँ पर सर लेकर के आ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। कैमरा इधर घुमाइए, आपका क्या नाम पड़ेगा? आप वैक्सीन ले लिए? अच्छा, परिवार को लेकर। इतना सारा भीड़ है यहाँ पे, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई माने नहीं रख रहा है, क्या कहना है आपका? पाबंद है ही नहीं है तो जाएंगे। आप कितने बजे से यहाँ पर आएंगे? सुबह से आएंगे। सुबह से आए? आइए यहाँ पर कुछ युवा लोग भी हैं, उन लोगों से भी हम बात करते हैं। दिखाइए आपका क्या नाम? आप भी वैक्सीन लेने के लिए आए? कब से यहाँ पर खड़े हैं? 4 घंटे से खड़े, अभी तक लाइन नहीं है। अच्छा, कैसा मन में मैंने उत्साह है वैक्सीन के प्रति आपका, क्या कुछ संदेश दीजिएगा? सही है, वैक्सीन सबको लेना चाहिए। अच्छा, हालांकि सबसे खुशी की बात है कि यह स्वदेशी वैक्सीन है, और इसके प्रति आपका क्या कहना होगा? आप एक युवा हैं और युवा संदेश जो है समाज में सबसे बड़ा है। नहीं, तो देखिए कठिन परिश्रम करने के बाद जो है हम लोग पहली बार जो है अपने देश में किसी पहले बीमारी के लिए जो है वैक्सीन को जो है उत्पादन कर सके हैं और किए हैं। हालांकि यहाँ पर देखिए अब बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं, और आइए हम लोग समझते हैं। आपका नाम क्या पड़ेगा? आप वैक्सीन ले चुके हैं? नहीं, अच्छा नहीं आए, तो क्या कुछ बताया गया आपको? जरूरी है सबके लिए। जी जी, वैक्सीन खत्म हो गया है, आइए बोलते हैं। अच्छा, थोड़ा सा टाइम की वजह से परेशान है। देखिए लोग लेना चाहते हैं, सभी लोग लेना चाहते हैं वैक्सीन, लेकिन अब वैक्सीन की डोज कम आ रही है जिला के अंदर में या अनुमंडल अस्पताल नरकटियागंज के अंदर में, या क्या कुछ कमियां है इसके लिए हम लोग बात करेंगे यहाँ पर जो भी वैक्सीनेशन सेंटर पर पदाधिकारी हैं उनसे। हालांकि तब तक हम इन लोगों से थोड़ा सा जानते हैं, क्या नाम पड़ेगा? तो आप भी वैक्सीन लेने के लिए आए? जी जी। किस तरह से मैंने आप फील कर रहे हैं कि हाँ वैक्सीन के प्रति? वैक्सीन के प्रति तो इतना नंबर लगा हुआ है, लाइन लगा हुआ है। जी जी, मतलब उसी वक्त में आए हैं। कितना देर हो गया आपको आए? मतलब 3-4 घंटा हो गया। नाराजगी भी है अंदर, 3-4 घंटा से खड़े हैं, तो ये इनके अंदर नाराजगी भी है और चाहते हैं कि हम लोग पहले से। देखिए खाना पीने छोड़ के ये लोग आए हुए, थोड़ा और आप लोग दूर जाइए, अब भी थोड़ा सा और पीछे। देखिए कितना शोरगुल हो रहा है
वैक्सीन के प्रति। देखिए इससे जो है पूरी तरह से जाहिर हो रहा है कि लोग उत्साहित हैं, बट यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा उतना पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन नहीं शायद पहुँच रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे लोगों की जो है परेशानी है। क्या 8 बजे से लगे हुए हैं, अभी तक आपका लाइन नहीं है? सिस्टम एक ही चल रहा है, दो लाइन चल रहा है। देखिए बहुत बड़ा लाइन तो हम देख रहे हैं, 12 बजे काम हो रहा है, बोले थे नहीं लग रहा है, पब्लिक का परेशानी ज्यादा। देखिए हालांकि जिस हिसाब से भीड़ है, आप देखिए, दिखाइए आप कैमरा में, दिखाइए साइड से, कि जिस हिसाब से यहाँ पर भीड़ है उस हिसाब से एक सिस्टम से काम चलने वाला नहीं है। यहाँ पे कम से कम 3 से 4 सिस्टम यदि लगाया जाए फिर जाकर के जो है यहाँ की जनता की समस्या जो है समाधान। आइए सामने आइए, थोड़ा आप लोग डिस्टेंस बनाइए, थोड़ा सा डिस्टेंस बनाइए, थोड़ा सा डिस्टेंस। हाँ बोलिए, क्या कर रहे हैं? अच्छा नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन गुटखा भी खाइएगा तो इम्यूनिटी खराब होगा, कोरोना अपने आप पकड़ेगा। कहिए और अपना बात करो। हम लोग उसी समय से आए हैं, बात ये है कि जब से हम लोग आए उस समय से बोला जा रहा है कि 10 रुपये काटे हैं, 10 रुपये। अच्छा, लेकिन लग उसी टाइम लग ही रहा है, हम लोग उसी तरह खड़े हैं उसी टाइम से। अच्छा, तो लग किसको रहा है जब आप लाइन में खड़े हैं? वही तो समझ में आता ना है, लोग जो है यहाँ पे आरोप क्या लगा रहे हैं कि जिसका लिंक है वही जो है यहाँ पे अधिक मात्रा में लेके चला जा रहा है। हालांकि हम इसको नहीं मानते हैं, खैर वो लोग जो है लाइन बाय लाइन ही काम करता होगा, और दोनों लाइन देख रहे हैं, लेडीज लाइन भी है और जेंट्स लाइन भी है, इसलिए हम उस बात से जो है कभी भी इनकार नहीं।